इस तरीके की ज्वेलरी की शॉपिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सीमा शर्मा आज आपके साथ शेयर करने वाली ज्वेलरी का रिव्यू, और मैंने कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग की है। जैसे हरियाली तीज आने वाला है तो मैंने सोचा कुछ इस बार मैं ज्वेलरी की शॉपिंग करती हूँ। पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही मेरे पास ज्वेलरी आएंगी तो बैक टू बैक मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर जो मैं फर्स्ट ज्वेलरी अपनी दिखाऊंगी बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी है, तो मैं अपनी दिखाने वाली हूँ किस तरीके की है। एक वीडियो में भी मैंने इसको वेयर किया है, ये बहुत पहले आ गई थी बट और ज्वेलरी मेरी आने वाली थी सारी एक साथ आ जाती तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। मैंने एक ब्रेसलेट लिया है, बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट है। यानी एक हाथ में अगर वॉच पहन लेते हैं और दूसरे हाथ में ये ब्रेसलेट डाल लेते हैं तो ये आपके आधे से ज्यादा हाथ को कवर कर लेता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। कलर है सिल्वर नहीं है, आपको गोल्डन कलर में ही मिलेगा, कुछ इसी तरीके का है और बहुत ही अच्छा है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफी अच्छी है, 2 से 3 वीडियो में मैं यूज भी कर चुकी हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैं ब्रेसलेट की बात करूँ तो अगर ये ब्रेसलेट अगर लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया, इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये मैंने अमेजोन से लिया। जो आप इसके साथ साड़ी के साथ कुर्ती के साथ कहीं भी, मतलब जहां आपने एक हाथ में वॉच डालनी है वहां पर आप इस ब्रेसलेट को यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी आपको मिल जाता है, जो मैं रेगुलर यूज कर रही थी इसको। नेक्स्ट ज्वेलरी मेरी जनेमी की है, और इसमें मैंने क्या लिया है, बहुत सारी ज्वेलरी ऑर्डर की थी। यहाँ पर मैंने मंगलसूत्र एक ऑर्डर किया था, जैसे कि यहाँ पर पहले भी मैंने एक मंगलसूत्र लिया था अमेजोन से तो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो एक मंगलसूत्र और ऑर्डर किया है। ये थोड़ा सा ट्रेंड में भी था तो मैंने सोचा इसको भी ऑर्डर किया जाए और देखा जाए कैसा लगता है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, यहाँ तक है, और ये गोल्डन कलर का भी है, और ये जो मंगलसूत्र है कुछ इस तरीके से है, शॉर्ट मंगलसूत्र होते हैं वो मंगलसूत्र है। पेंडेंट आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें रेड और सिल्वर एंड ग्रीन कलर के स्टोन यूज़ किए गए हैं। फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, इसमें इस तरीके से शॉर्ट चैन दी गई है। ब्लैक कलर की जो मोतियाँ हैं ये बहुत ही सॉफ्ट एंड चुभती नहीं है, समर सीजन में भी आप तो इसे वेयर कर सकते हो। तो मोतियों की बात करें, क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और पेंडेंट की बात करें तो पेंडेंट की क्वालिटी भी आप देख रहे हैं। मंगलसूत्र के साथ साथ इस तरीके की आपको 2 इयररिंग्स भी मिल जाते हैं, और इयररिंग्स की बात करें तो इयररिंग्स भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका जो डिज़ाइन मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा एक मंगलसूत्र भी लेना चाहिए, और ये थोड़ा सा लंबा था तो मैंने एक शॉर्ट मंगलसूत्र के लिए ये वाला डिज़ाइन पसंद किया था, और स्टोन के साथ साथ चारों तरफ इसमें मोतियाँ यूज़ की गई हैं। फर्स्ट सावन पर मैं इसे वेयर करके गई हूँ, मंदिर गई थी तो वहाँ भी काफ़ी लेडीज़ को बहुत ही अच्छा लगा है। नेक्स्ट ज्वेलरी भी बहुत ही अच्छी है, मतलब ज्वेलरी तो मुझे अच्छी लगती है, ये भी जनेमी की ही है। तो नेक्स्ट भी मैंने मंगलसूत्र लिया है, इस बार मैंने 2-2 मंगलसूत्र लिए हैं न्यू डिज़ाइन के। तो न्यू डिज़ाइन के थे तो मैंने सोचा आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ले सकते हो। इसमें हैम पैकिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, और ये मंगलसूत्र देखोगे तो ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। डिज़ाइन इसका बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा, मतलब मैं क्या बताऊँ, सिल्वर पैटर्न का है, सिल्वर इसमें स्टोन यूज़ किए गए हैं। यहाँ देखिए, पहले दिखा देती हूँ, डिज़ाइन है और शॉर्ट मंगलसूत्र है, लेयर की है। और इसके इयररिंग्स की बात करें तो इयररिंग्स आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स, कितने प्यारे लग रहे हैं, और इसमें स्टोन के साथ साथ इसकी फिनिशिंग देखो। इस तरीके के जो मंगलसूत्र होते हैं ना वो ना तो काले पड़ते हैं, मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, पहले भी मैंने एक ऐसे ही मंगलसूत्र लिया था, काफ़ी दिन तक उसको मैंने वेयर किया, बिल्कुल काले नहीं होते हैं, और इनको आप काफ़ी इजीली पहन सकते हैं, लेटेस्ट है, और डिज़ाइन भी इसका देख रहे हो बहुत ही प्यारा है। तो इस तरीके के मंगलसूत्र आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे होते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाले होते हैं, और लेटेस्ट के साथ साथ इनके इयररिंग्स मुझे बहुत ही प्यारे लगे, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी ज्वेलरी है, जावेरी पर है, और इससे पहले भी मैंने इस ब्रांड की जो ज्वेलरी है यूज़ कर रखी है तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मैंने लॉन्ग इयररिंग्स लिए हैं, जो लॉन्ग इयररिंग्स हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इस तरीके के लॉन्ग इयररिंग्स मेरे पास काफ़ी हैं, और काफ़ी मैंने इयररिंग्स ले रखे हैं अमेजोन से, क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ देखिए, बहुत ही खूबसूरत, देखिए इस तरीके के इयररिंग्स हैं, मतलब आपके कान में आने के बाद ये जो आप ज्वेलरी गले में ना भी पहनो कुछ तो भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये इयररिंग्स की क्वालिटी आप देख सकते हो, खूबसूरती देख सकते हो, बहुत ही प्यारे हैं। इसके जो टॉप्स हैं वो गोल्डन है, गोल्डन के साथ साथ नीचे जो मोतियाँ यूज़ की गई हैं
वो भी काफी फिनिशिंग के साथ है, क्वालिटी वाइज भी मैं बोलूंगी बहुत ही अच्छे तरीके की इयररिंग्स भी आप ट्राई कर सकते हो। और इस तरीके की इयररिंग्स ना आप जैसे कि सूट वगैरह है या कोई ड्रेस पहनी है आपने, साड़ी पहनी है, कुछ सीक्वेंस साड़ी पहनी है उसके साथ इसको ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके की जो इयररिंग्स होते हैं ना इनको आप रखें अपने पास। यू नेक्स्ट ज्वेलरी भी बहुत ही प्यारी है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। यू वेला की भी मैंने पहले ज्वेलरी ले रखी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर यू वेला की मैंने ये दो कड़े लिए हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैंने गर्ल्स को देखा था, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। जैसे मैंने ट्राई किया वैसे आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखने में तो है खूबसूरत। उनके साथ यहाँ पर जो मोतियाँ यूज़ की गई हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और ये जो पर्ल्स यूज़ किए गए हैं, मोतियाँ यूज़ की गई हैं, ये बिल्कुल निकलेंगी नहीं। और साथ के साथ इसके साथ आपको इस तरीके के पेच मिल जाते हैं, खोलना है और खोल करके इसको ऐसे सेट करना है। अगर पेच वाले आपने कड़े लेने हैं तो थोड़ा अपना एक साइज छोटा लेना, उससे आपके कड़े काफ़ी सेट रहते हैं। इस तरीके से पेच को खोलकर आप ऐसे ओपन कर लो और फिर जब आप पहन लो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से टाइट हो जाते हैं। तो ये जो कड़े हैं काफ़ी अच्छे से सेट हो जाते हैं, किसी साड़ी वाड़ी के साथ या कुर्ती वुर्ती के साथ इसे डाल सकते हो, या आपने चूड़े वगैरह पहन लिए तो आगे से ये डाल लो तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके के कड़े भी आप रखें, सिंगल पहन सकते हो, दोनों हाथ में पहन सकते हो, या दोनों एक साथ भी वेयर कर सकते हो। तो इस तरीके के जो कड़ों की कलेक्शन आपको रखनी चाहिए जो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो क्वालिटी की बात करें तो इसमें क्वालिटी इतनी अच्छी है ना कि इसमें जो मोतियाँ अंदर यूज़ की गई हैं वो निकलेंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली हैं, अच्छे से सेट रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। ये देखिए फिनिशिंग बहुत है कड़े हैं। और एक मैंने सेट लिया है जो हरियाली तीज पे मैं वेयर करने वाली हूँ। मैंने एक साड़ी ले रखी थी तो मैंने सोचा उसका जो ज्वेलरी है पहले से मैं ऑर्डर करके ले लेती हूँ, नहीं तो बाद में फिर एट अ टाइम फेस्टिवल वगैरह रहता है तो हम जब अचानक से ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम तक हमें नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही ऑर्डर कर दिया था। बहुत ही प्यारा सा सेट है, बहुत ही खूबसूरत सेट है जो टाइम से पहले ही मेरे पास मिल चुका है, तो अभी जो फेस्टिवल आने वाला है तो उस पर मैं वेयर कर सकती हूँ। और इसकी फिनिशिंग की बात करें, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और यहाँ कि ये नेकलेस के साथ रिंग नहीं आती बट इसमें रिंग भी इस तरीके की मिल जाती है। ये इस तरीके का सेट है जो किसी भी साड़ी के साथ हम वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन पिंक स्काई सारे कलर हैं, बट आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। और डार्क शेड के साथ इसको वेयर कर सकते हो, लाइट शेड के साथ इसको वेयर कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की कुर्तियाँ या कोई भी आपने ड्रेस पहनी है उसके साथ इस तरीके की जो ज्वेलरियाँ होती हैं ना बहुत ही अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जाती हैं। जो डार्क कलर की ज्वेलरी होती है उनको अच्छे से जल्दी से सेट नहीं कर पाते, बट जो लाइट कलर की जो ज्वेलरियाँ होती है ना उनको आप किसी भी ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। अमेजोन पर प्राइम डे सेल स्टार्ट हो रही है, 15 से 16 जुलाई तक है, इंडियाज बिगेस्ट सेल है। इसमें आपको 80% ऑफ मिलता है अगर आप फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो, एंड आपका अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको 25% कैशबैक भी मिल सकता है। ये मैंने कुछ ज्वेलरियाँ ली थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इसके बाद मेरी साड़ियाँ भी आने वाली हैं, कुछ मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर की हैं, जैसे ही वो पार्सल आ जाते हैं तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। इसमें से कौन सी मतलब ज्वेलरी मेरी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलती हूँ नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।